सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सरकारी जॉब ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों एक और रिक्रूटमेंट लेकर के आप लोगों के लिए आ चुका हूँ। एंड दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट निकली है दोस्तों वो निकली है कोचिंग शिपयार्ड रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी फोर्थ पास कर रखे हो या फिर आपने सेवन्थ पास हो रखे हो या फिर आप दसवीं पास या फिर ITI पास हो रखे हो तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि ये पोस्ट बहुत सारी उन लोगों के लिए भी निकल के आ रखी है जो भी फोर्थ क्लास पास है, अभी सेवन्थ क्लास पास है एंड दसवीं क्लास पास है। तो दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको इंटरव्यू के बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड जो सैलरी आपको मिलने वाली है दोस्तों 47,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिलने वाली है। एंड दोस्तों इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट निकल के आ रखी है एंड ये दोस्तों ऑल इंडिया फॉरम होने वाला है। बाकी दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड डेटा जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख दीजिएगा। दोस्तों jobdhyani.com लिख करके आप मेरी वेबसाइट में आ सकते हैं, jobdhyani.com लिख करके आप मेरी वेबसाइट में आके आप वहाँ पर अप्लाई भी कर सकेंगे एंड वहाँ से लेटर जॉब्स के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। बाकी दोस्तों ये रही मेरी ऑफिशियल वेबसाइट एंड जो जो जॉब पोस्ट निकल के आ रखी है 577 पोस्ट निकल के आ रखी है। दोस्तों हम लोग डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है एंड क्वालिफिकेशन जो होने वाली है, योग्यता जो होने वाली है दोस्तों फोर्थ पास, सेवन्थ पास, टेंथ पास एंड ITI पास वाले अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट नेम की बात करें तो सिरांग इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक एंड अदर जॉब पोस्ट निकल के आ रखी है एंड जो जॉब लोकेशन जो आपको मिलने वाली है सिलेक्शन के बाद वो केरला में मिलने वाली है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंटरव्यू के बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाला है एंड ओपनिंग डेट की बात करें तो 10 सितंबर से लेकर के लास्ट डेट होने वाली है 10 अक्टूबर तक की। दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी वेरियस पोस्ट निकल के आ रखी है, जैसे कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, एरियल वर्कर, प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, फिटर, मैकेनिकल डीजर, पाइप प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट कारपेंटर के लिए जॉब पोस्ट निकल के आ रखी है। क्वालिफिकेशन दोस्तों 7वीं पास, फोर्थ पास, 10वीं पास, ITI पास वाले अप्लाई कर सकेंगे। एंड दोस्तों एज लिमिट जो मांगी गई है दोस्तों वो अलग अलग मांगी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों पे स्केल की बात करें तो 23,000 से ले करके आपकी स्किल पे स्केल बढ़ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एंड दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट के बेसिस में होने वाला है। दोस्तों स्टेप्स क्या क्या होंगे अप्लाई करने के, दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, मैं आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे आप देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड 21 सितंबर को इनका विज्ञापन जारी हो गया था। एंड दोस्तों सीट वर्कर मैटर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें मिल जाएंगी। एंड दोस्तों अगर आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार इससे ले पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई के लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड दोस्तों लेटर जॉब के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। बाकी आप jobdhyani.com लिख करके या फिर आप यहाँ से मेरी वेबसाइट में क्लिक करके भी जाके वहाँ जाके लेटर जॉब्स के लिए भी देख सकेंगे। एंड दोस्तों और भी वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपको अप्लाई करना है और भी जॉब्स फॉरम के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।